फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तड़का स्वाद का। में आज हम बना रहे हैं टेस्टी टेस्टी राजमा, वो भी बिना लहसुन के। इतनी जल्दी और इतनी आसान रेसिपी है कि आप देखेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। इतनी झटपट रेसिपी राजमा की बनाने के लिए आइए देखते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। राजमा मैंने भिगो के रखे हुए हैं, ये एक कटोरी मैंने राजमा लिए थे, उन्हें मैंने भिगो दिया था, एक कटोरी से थोड़ा ज़्यादा ही है मैंने भिगो दिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं राजमा को हम कुकर में डालने के। मैंने पीने वाला पानी ही लिया हुआ है तो इसलिए मैं पानी के साथ ही डाल रही हूँ, और अगर आपने पीने का पानी ना लिया हो तो आप पानी फेंक के दूसरा भी ले सकते हैं। अगर आप राजमा भिगोना भूल जाएं तो आप क्या करिएगा, राजमा को पहले सीटी फुल पे देके, ये मैंने नमक डाल दिया इसमें एक चम्मच, थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दिया, तो अगर आप राजमा भूल जाएं रात को भिगोना और आपको जल्दी में बनाने हो तो आप क्या करेंगे, इसको एक सीटी फुल पे देके बंद करके थोड़ी देर बाद फिर ऑन करके फिर इसको दो सीटी और दे दीजिएगा। दो तीन सीटी देंगे आपके राजमा बहुत अच्छे से गल जाएंगे। मेरे कुकर से के हिसाब से मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और मैंने राजमा भिगो भी दिए थे तो ये जल्दी ही हो जाएंगे। तो एक सीटी में इसको फुल पे दूंगी और दो सीटी सिम पे दूंगी, राजमा अच्छे से मैश हो जाएंगे। राजमा में तड़का लगाने के लिए मैंने ले रखा है चार प्याज लिए मैंने, और टमाटर मेरे पास छोटे थे तो मैंने 5 ले लिए। थोड़ा सा आपको चाहिए अदरक, 3-4 हरी मिर्चें चाहिए और हरा धनिया चाहिए। ये मैं पहले कट कर लूँ जब तक सीटी आती है, फिर मैं आपको दिखा। ये प्याज और टमाटर मैंने कट कर लिया है, अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है और हरी मिर्चों को मैंने बीच में से स्लिट कर लिया है। जब तक हमारे राजमा बॉयल हो रहे हैं तब तक इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। ये मैंने तेल डाल दिया इसमें 1 बड़ा चम्मच, थोड़ा सा मैं जीरा डाल रही हूँ। आप लोग राजमा कैसे बनाते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं तो राजमा में लहसुन नहीं डालती हूँ और ये राजमा मेरे चटपटे भी बनते हैं, सबको बेहद पसंद भी है, शायद आपको भी पसंद आए बनाएंगे तो एक बारी ट्राई ज़रूर करिएगा मेरे तरीके से। ये मेरी मम्मा ने मुझे सिखाए थे, हमारे घर में सबको बहुत पसंद है। जीरा हो गया है, अब मैं इसमें प्याज अपनी डाल देती हूँ। प्याज हमारी लगभग भून गई है, अब मैं इसमें अदरक डाल दूंगी ताकि साथ साथ प्याज के साथ साथ ये भी भून जाए। इसमें अदरक जो कद्दूकस करके डालते हैं ना उसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है, तो बाद में खाएंगे इसमें।
तक हम अपने मसाले खिलाते रहेंगे ताकि खाता तो एक चौथाई चम्मच हल्दी मिर्चें आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो आप कम डालें। नमक हमने राजमा में भी डाला था तो उसी के हिसाब से डालें। दो चम्मच भर के इसकी बुनाई कर लेंगे। जब तक मसाला तेल छोड़ने लगे, हल्का हल्का शुरू हो गया, थोड़ा टाइम और लगे। तड़का हमारा बनकर तैयार है। देखिए तेल छोड़ने लग गया है साइडों से, राजमा भी मेरे हो गए हैं। देखते हैं चम्मच की सहायता से इसे फोड़ लेंगे, इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करा करें। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं और अच्छी अच्छी रेसिपीज लेके आऊँगी। तैयार है, बस एक सीटी में लगाऊंगी इसमें हल्की सी, क्योंकि राजमा तो अच्छे से पक ही चुके हैं, लेकिन ग्रेवी और ये दोनों एक साथ मैश हो जाएंगे, अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो एक सीटी में इसमें लगा देंगे, लेकिन उससे पहले मैंने ये धनिया काट के रखा है, धनिया पत्ती थोड़ी सी डाल देंगे। टेस्टी टेस्टी राजमा बनके तैयार हैं। इन्हें सर्व करिए राजमा चावल के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ। इतने टेस्टी रेसिपीज और इजी रेसिपीज आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।